हे गाइस, विनोद दिस साइड। तो कल हम लोगों ने 330, हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे 330 तक कर लिए थे। आज हम पूरे के पूरे हमारे 400 कंप्लीट करेंगे। तो 331 आपका पास क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 331 है आपका फैडिश, FADDISH। क्या मतलब होता है फैडिश का? देखो, फैडिश इज रिलेटेड टू फैशन, फैशन, फैशन। एक और वर्ड ध्यान रखना, इन वोग, VOGUE। कहीं पे भी ये दिख जाए इन वोग, तो इन वोग का मतलब क्या? इन वोग का मतलब है इन फैशन, इन फैशन। वीडियो थोड़ा सा अच्छे से चलेंगे हम, कम टाइम पे ज्यादा चीजें करेंगे। तो इसका मतलब क्या? अनपॉपुलर नहीं, फोनी। कहीं भी लिखा आ जाए फोनी, तो फोनी इज रिलेटेड टू क्या? फॉल्स, फेक, फेक। ठीक है, कोई भी चीज फॉल्स हो, फेक हो, स्पूरियस हो, SPURIOUS, स्पूरियस हो। ठीक है, आप उसे क्या बोलेंगे? इनऑथेंटिक है। ऑथेंटिक इज जेन्यून, इनऑथेंटिक इज फेक, फॉल्स। ठीक है, तो बाढ़ जाग का क्या होता है? बाढ़ जो होता है, जहां पर आप बेसिकली जो बोट होती है ना, लॉन्ग बोट, जिसमें सामान लेके जाया जाता है, जो नदी किनारे पे होती है, उसे बार्ज बोलते हैं। फैशनेबल इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्या? थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी को आप ऐसा देखो, 350 रुपीज। थ्रिफ्टी है यार तू, 350 रुपीज ही है तेरे पास, मतलब तू कंजूस है जो पैसा वेस्ट ना करता हो। वेस्टफुल होगा नहीं। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, समझदार। सेगेशियस, SAGACIOUS, साग खाओ, दिमाग बढ़ाओ। सेगेशियस नहीं, प्रूडेंट भी नहीं होगा, बुद्धिमान भी नहीं होगा। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट होगा, एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट होगा क्या मतलब? अधिक खर्च करता है। देखो, इसका मतलब है कंजूस, इसका मतलब है माइजर, इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है कि जो कम पैसा खर्च करता हो, कंजूस हो, बेसिकली इकोनॉमिकल हो। इकोनॉमिकल के सेंस में देखना इसे, जो किफायती हो, ऐसा देखना। एक्स्ट्रावेगेंट का, एक्स्ट्रावेगेंट, जेनरस और वेस्टफुल। अच्छा, इसका आंसर प्रूडेंट होगा। चलो अभी बताता हूँ कैसे। वेस्टफुल, जेनरस, एक्स्ट्रावेगेंट, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब है जो पैसे को खर्च करता हो अधिक, स्क्वेंडर करता हो, SQUANDER। स्क्वेंडर का मतलब होता है जो पैसे को, जो प्रोडिगल हो, प्रोडिगल, PRODIGL, जो बहुत ज्यादा पैसा उड़ाता हो, अधिक खर्च करता हो, स्पेंड थ्रिफ्ट हो, SPENDTHRIFT, पैसा उड़ाता हो, पैसा खर्च करता हो। प्रूडेंट क्या होता है? प्रूडेंट मतलब वाइज, समझदार, सेगेशियस, समझदार। अब देखो क्या थ्रिफ्टी का मतलब है? पैसे बचाना, ये है उड़ाना, कट गया, ये है उड़ाना, कट गया, ये है पैसा उड़ाना, कट गया, तो बचा क्या? प्रूडेंट, यही आपका मतलब आंसर हो जाएगा। जो किफायती हो, पैसा देख के यूटिलाइज करे, सोच समझ के करे, वाइज हो, तो इस सेंस में ये आंसर जा रहा है। देख रहे हो, ऐसे भी सिनोनियम होते हैं। अभी हम सिनोनियम्स कर रहे हैं, जो आपकी पिनाकल की बुक है, किरण की बुक है, उससे जितने भी आपके सिनोनियम्स आज तक आए हैं, वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे इस सीरीज में। जब फिर इसके बाद बस आपने टिक मार्क लगा के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एलुसिडेट। इलुसिडेट का मतलब होता है स्पष्ट करना किसी भी चीज को, टू मेक लूसिड, किसी भी चीज को लूसिड करना, मतलब क्लियर करना, एक्सप्लेन करना, स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन करना। तो मतलब क्या होगा इसका? क्या मतलब है? एक्सप्लिकेट करना। एक्सप्लिकेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, अच्छे से एक्सप्लेन करना। ओरेकुलर का क्या मतलब है? ओरेकुलर का मतलब है कोई भी चीज जो ऑब्सक्योर हो, OBSCURE, जो भी चीज समझ में ना आए, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो, समझने में वेग हो, वेग, जो अस्पष्ट हो, VAGUE। ठीक है, अनक्लियर, ऐसा ध्यान रखना। एग्जामिन नहीं, एग्जॉस्ट मतलब टायर्ड नहीं। ठीक है, एग्जॉस्ट मतलब जब आप पूरी एनर्जी से ड्रेन हो चुकी हो, एनर्जी ड्रेन हो चुकी हो आपकी, उसे एग्जॉस्ट कहते हैं। एक्सप्लिकेट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्रेवन। क्रेवन का मतलब क्या होता है? क्रेवन का मतलब है डरपोक, जिसमें लैक, लैक ऑफ करेज, जो बोल्ड ना हो, बहादुर ना हो, डरपोक। तो बोल्ड बहादुर है नहीं, गैलेंट है, गैलेंट मतलब ही बहादुर होता है नहीं। ठीक है, अनअबेस्ड। अनअबेस्ड का मतलब क्या होता है? जिसे कुछ भी, मतलब लोगों की परवाह ही नहीं है, लोग मेरे बारे में, लोग सोचेंगे मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विदाउट एनी वरी, विदाउट एनी वरी, विदाउट एनी एम्बेरसमेंट, कोई भी एम्बेरसमेंट नहीं है, कोई भी इसको कोई कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसी होना चाहिए इंसान को भी। ठीक है, तो EMBARR आता है, SSS आता है, MENT आता है, एम्बेरसमेंट है ही नहीं, नो एम्बेरसमेंट। ठीक है, वो होता है अनअबेस्ड नहीं, ये तो डरपोक है, कावर्डलीज, डरपोक, यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बडी। बडी मतलब जो कहते हैं ना, ये मेरा बडी है, ये मेरा दोस्त है, फ्रेंड। बडी इज फ्रेंड, तो मतलब क्या होगा आपका? एनिमी, दुश्मन होगा नहीं। फो, फो मतलब क्या होता है? एनिमी नहीं। स्टाइलिस्ट होगा नहीं। एसोसिएट मतलब मेरा फ्रेंड है, ये मेरा एसोसिएट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, जेजुन। जेजुन का मतलब क्या होता है? जेजुन का मतलब होता है कि बेसिकली क्या? जेजुन का मतलब होता है मतलब
लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन, लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है, मतलब लैक ऑफ रिवॉर्डिंग, लैक ऑफ रिवॉर्डिंग। कोई भी चीज मैं आपको बताता हूँ, जो भी चीज क्या हो, डल हो एक तरीके से, ठीक है, बोर्डम, आपने वर्ड सुना है ना, BORED UM, तो बोर्डम हो गया आपका, क्या, जेजुन हो गया, ठीक है। और इसकी ना स्पेलिंग भी ध्यान रखना, इसकी स्पेलिंग बड़ी ही क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जैक्ट मतलब बताता हूँ जेजुन का। आपने एक वर्ड सुना नाइफ, NAIVE, आपने वर्ड सुना है सिंपल, कोई बंदा हो जो बिल्कुल सिंपल हो, अब आपको क्लियर होगा। आपने वर्ड सुना है इनोसेंट, आपने वर्ड सुना है गलीबल, GULLIBLE, ये कली करा है हमने, गलीबल और गाई किया था, याद आया, मतलब जो बेसिकली बोरिंग हो, बोरडम हो, ठीक है, मतलब लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन है, एक ही सेम चीज बार बार हो रही हो, लैक, कोई अवार्ड भी नहीं मिल रहा है ऐसे, देखो रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा है, एकदम डल है, बोरिंग है, नाइव है, इनोसेंट है, भोला भाला, ठीक है, तो क्या होगा, उसे हम कहते हैं जेजुन। अब देख लो, पॉइग्नेंट इज सैड, पॉइग्नेंट इज सैड, डिप्रेस्ड, अनचाइल्ड लाइक नहीं, कॉस्मोपॉलिटिश, कॉस्मोपॉलिटन को होता है, कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है कि अ पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम लोकल, मतलब पूरे निवासी वाला, ठीक है ना, ये आपको पता होगा कॉस्मोपॉलिटन। इसका आंसर जाएगा ड्रैब, DRAB, ड्रैब, DRAB, ड्रैब, अच्छा वर्ड है, ध्यान रख लेना, ठीक है। ड्रैप का मतलब क्या होता है, ड्रैप का मतलब है डल, ठीक है, ड्रैप का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, बिना किसी चमक दमक के, ठीक है। फीका, ड्रैप का अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखो तो इसका मतलब क्या है, फीका। देखो सिर्फ वर्ड्स रटने से कुछ नहीं होता, आपको ये भी देखना होगा कि सेंस क्या है। अब ऐसे आप इंसान के ऊपर सोचोगे तो इंसान क्या है, भोला भाला, कोई आप बोल रहे हो यार ये चीज ना बड़ी जेजुन है, मतलब ये चीज अनअट्रैक्टिव है, ये चीज क्या है, अनइंटरेस्टिंग है, ये चमक धमक नहीं है, फीका है, ऐसे ध्यान रखना, ड्रैब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेलो, WALLO, वेलो का मतलब लोट पोट करना, मड में, मिट्टी में या पानी में जब आप लोट पोट करते हो उससे वेलो कहते हैं, मैं कल करा चुका हूँ, फ्लाउंडर इसका आंसर होता है, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है फेमाइन, फेमाइन का मतलब क्या है, कहीं भी भुखमरी हो जाए, लैक ऑफ फूड हो, लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पे क्या है, फेमाइन हो गया, भुखमरी होगी, डेथ हो गई, हर जगह डेथ हो गया, उसके लिए आप क्या बोल सकते हैं, ड्राउट, ड्राउट इज योर करेक्ट आंसर, ड्राउट का मतलब लैक ऑफ फूड, ठीक है। जैसे कहीं पर समझ लो सुनामी आ गई तो पूरे एरिया क्या हो जाएगा, फेमाइन हो जाएगा, लैक ऑफ फूड, डेथ है चारों तरफ, रिसोर्सेज की कमी है, ड्राउट हो गया। फेस्ट का मतलब क्या, फेस्ट, फेस्ट मतलब कोई बढ़िया भोजन, स्पेशल मील, स्पेशल मील। अबेंडेंस मतलब है प्लेंटी, अबेंडेंस मतलब होता है प्लेंटीफुल, PLENTIFUL, एम्पल, कोई भी चीज जो प्रचुर मात्राओं में हो, बहुत ज्यादा, उसे अबेंडेंस कहते हैं, ड्राउट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लेयर, लेयर का मतलब क्या, देखो एक होता है LIER, लायर, 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 झूठा, एक होता है लेयर, लेयर का मतलब क्या होता है, जहां पे वाइल्ड एनिमल्स को छुपा कर रखा जाता है, वाइल्ड एनिमल्स को छुपा कर रखा जाता है, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड और हिडन रखा जाता है, हिडन, छुपा के, कोई भी चीज को आप छुपा के रखा जाता हो ना, छुपाना, कंसील करना, तो हम कंसीलमेंट कहते हैं, छुपा के रखना, ठीक है। जब आप पे कोई केस लगता है तो आपको अरेन करा जाता है, बुलाया जाता है, पुलिस वाले बुलाते हैं, कोर्ट बुलाता है, ठीक है, क्रिमिनल चार्ज के लिए जब कोर्ट द्वारा बुलाया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, अरेन बोलते हैं। अपार्ट आपको पता ही, कॉन्करेंट का मतलब क्या है, कोई भी चीज सेम टाइम पे चल रही हो, सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर रही हो, एग्जिस्टिंग और हैपनिंग एट द सेम टाइम, ठीक है, एग्जिस्टिंग है, कॉन्करेंट है, मतलब कोई भी चीज एग्जिस्टिंग है, ये चीज ध्यान रखना, कंसीलमेंट आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है बोगस, देखो भाई अभी हमने कर रहा था यहाँ पर, मैंने यहाँ पर आपको ये वर्ड, देखो कहाँ चला गया वर्ड आपका, यहीं पे था ना वर्ड आपका, फोनी, देखो फोनी, फॉल्स, फेक, स्पूरियस, इनऑथेंटिक, यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर लो, बोगस, बोगस मतलब होता है कोई भी चीज जो एकदम क्या हो, फेक हो। अब इधर देखते हैं एक बार हम लोग, यहाँ पर क्या है आपका, इधर बोगस, बोगस मतलब एकदम फेक, कोई भी चीज एकदम फेक हो, जेन्यून नहीं हो, नॉट जेन्यून, नॉट जेन्यून, बिल्कुल फेक हो। ह्यूमेन का मतलब है मानवता से जुड़ा हुआ, काइंडनेस से जुड़ा हुआ, इंसानियत, क्रिटिसाइज, किसी को क्या करना, निंदा करना, किसी को सेंश्योर करना, CENSURE, फॉल्स इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 341, नेक्रियस, नेक्रियस का मतलब क्या होता है, नेक्रियस का मतलब होता है रिलेटेड टू नेकर, सर नेकर मतलब रिलेटेड टू पल,
पल मतलब मोती, तो समझ लो ऐसा कुछ होता है जिसमें मोतियां ही मोतियां होते हैं, और ये भी बड़ा शाइन और बड़ा ही ब्राइट होता है, एकदम चमक धमक वाला होता है, शाइन करता है किसकी तरह, पल की तरह, मोती की तरह। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इरिडिसेंट। इरिडिसेंट का मतलब होता है पल की तरह, मोतियों की तरह कोई चीज जब शाइन करे, एकदम ब्राइट हो, फुल ऑफ ब्राइटनेस हो, उसे हम बोलते हैं इरिडेंट। ध्यान रखना, ग्लूमी या ग्लूम मतलब सैड, पेल मतलब जो आपका चेहरा येलो पड़ जाता है, मोनोक्रोमा, क्रोमा, क्रोमा इज द रूट वर्ड फॉर कलर, क्रोमा एक रूट वर्ड होता है कलर का, बहुत पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, तो मोनो, मोनो इज रूट वर्ड होता है सिंगल, तो सिंगल कलर वाली चीजों को मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। हैविंग, ऐसे देख लो, ऐसे लिख लो, हैविंग वन कलर। मैं आपको सच बताऊं, मैं बस ये सीरीज कंप्लीट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसे 200 लोग देखे हैं, 150 लोग देखे हैं, 300 लोग देखे हैं, बस मैंने आप लोगों को बोला था मैं पूरे सिनोनिम्स कंप्लीट कर दूंगा, तो आई थिंक 800 समथिंग ये है, मैं पूरे के पूरे आपको कंप्लीट करा दूंगा, और जो 2024 वाले हुए हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा लास्ट में सीरीज में, ठीक है, उनके लिए अलग थंबनेल भी लगा दूंगा। अगर आप ये पूरा कर लोगे तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चा, कोई भी बच्चा कहीं पर फंसेगा, उसका सारा क्लियर हो जाएगा। डेसिमेट मतलब होता है किसी भी चीज को मार देना, किल कर देना, डैमेज कर देना, किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, DESTROY, तो वैसे ही वर्ड होता है रैक। रैक का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, डिस्ट्रॉय करना, रैक इज योर करेक्ट आंसर। मेंड का मतलब होता है किसी भी चीज को रिपेयर करना, मेंड इज टू रिपेयर, पहले वर्ड काफी आता था अब नहीं आता। हार्बर, जहां पे शिप को क्या करा जाता है, शिप रखी जाती है, पार्क करा जाता है, प्लेस जो शिप की क्या होती है, शेल्टर होती है, शेल्टर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। रैक, ऑबलेट, OBLAT, ऑबलेट एक ऐसा पर्सन होता है मेरे भाई जो ना भगवान को अपनी जो लाइफ है ना वो डेडिकेट कर देता है, ठीक है, जो मॉन्क वगैरह के साथ रहता है पूरे टाइम, वो ऑबलेट होता है, जो मांग कर खाते हैं, अपना जीवन बताते हैं, मॉन्क के साथ रहता है, बट ये कभी भी किसी ओथ से बंधा हुआ नहीं होता, ये कभी भी किसी ओथ का मतलब है क्या, किसी वाव से, किसी कसम से, जैसे आपने ओथ ले ली, जैसे चीफ जस्टिस, वो प्रेसिडेंट ओथ लेता है, प्राइम मिनिस्टर ओथ लेता है, तो किसी भी कसम से नहीं बंधा हुआ, ठीक है, बट ये वहीं रहता है मॉन्क के साथ, मांग कर खाता है, ठीक है। अब आपके लिए एक वर्ड बताता हूँ, हीथन। हीथन का क्या मतलब है, हीथन का मतलब है एक ऐसा पर्सन जिसमें क्या हो, लैक ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स हो, ठीक है, लैक ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स हो, ठीक है, जो क्या हो, इनडिसेंट हो, मतलब सड़क पे कैसी बात करनी है ये नहीं पता, इनडिसेंट है, डिसेंट नहीं है, इनडिसेंट, आईएन बताया था ना कल, INIM लग जाता तो उल्टा मतलब हो जाता है, इनडिसेंट है यार ये तो, अनएथिक है, एथिक है ही नहीं इसके अंदर, अनएथिक्स है, अनएथिक्स है, पता ही नहीं क्या बात करता है रोडों पर, इमोरल है, इमोरल, ठीक है। पर्सन रिगार्डिंग इज लैकिंग कल्चर और मोरल प्रिंसिपल। ले पर्सन कौन होता है, ले पर्सन जिसे कुछ पता ही ना हो किसी चीज से बारे में, नॉट फेमिलियर, जो फैमिलियर ही ना हो, ठीक है। सेकुलर कौन होता है, जो सारे भगवानों को मानता हो, मतलब सारे भगवानों का मतलब सेकुलर मतलब जो सारे सेकुलरिज्म, जो सारे ये मान लो रिलीजन को इक्वली देखे, वो सेकुलर, ठीक है, ये ध्यान देना। अब बचा वर्ड क्या, मेंडिकेन, तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। मेंडिकेन जब आप गूगल करोगे ना, MENDICANT, तो मेंडिकेन का मतलब आएगा बेगर, फिर जब आप नीचे देखोगे तो आएगा क्या, यही सेम मतलब, जो पर्सन मांग कर अपने गुजारा करता है, मगर वो मॉन्क के साथ रहता है और अपना जीवन क्या है, भगवान को डेडिकेट कर देता है, तो MENDICANT, मेंडिकेंट, बेगर रखना, यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नार्कोटिक ड्रग एडिक्शन इज इन वोक। वोक का मतलब क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, इन वोक मतलब फैशन होता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, तो फैशन हो गया। फिर मैंने ऑब्स्क्यूरिटी बताया था, ऑब्स्क्योर वर्ड बताया था, डिफिकल्ट कंडीशन, अभी अभी बताया हमने ये सब, आई थिंक ये हमने पूरा कर लिया, एक बार देखें क्या कहाँ करा ये सब। अभी देखो ये रहा फैडिश, फैशन, मैंने अलग से आपको बताया ना, अभी इनवोक यहाँ पर हो गया, ठीक है, तो देखो यही चीजें हैं मेरे भाई जो चीजें काम आ जाती हैं। जैसे देखो इधर ऑब्स्क्योर बताया, कोई भी चीज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड करने में वेग हो, अब देखो ये दोनों वर्ड आपके यहाँ पे आ गए, इनवोक भी आ गया, ऑब्स्क्योर का ऑब्स्क्यूरिटी ITY लगा के नाउन बना दिया, कोई भी चीज समझने में मुश्किल हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लो और क्या लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने कैसे देखना है, इस क्वेश्चन को आपने ऐसे देखना है जैसे फेयरली सारे वर्ड दे रखे हैं, अगर ये सेम है, सेम मीनिंग दे रहे हैं, तो इनको एक ही ऑप्शन क्लिक कर देना, अगर सिनोनियम में एक दूसरे के। फेयरली मतलब होता है सही, ठीक है, मतलब ठीक, और एबंडेंस मतलब प्रचुर मात्रा में, तो ये तो नहीं है। फाउल मतलब क्या है कि आप क्या हो, फाउल, कोई गलतियां करो। ओमेन मतलब डेंजर, नहीं,
डे मतलब दिन, बॉर्डर आपको पता है। देखो थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड और डाउन ये अच्छे वर्ड हैं, ध्यान से देखना एक बार। थ्रेशोल्ड का क्या मतलब होता है कि अगर आप ध्यान से देखो ना इस चीज को, कि थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि कोई भी चीज, जब आपको एक ऐसा टाइम, जब आपको टाइम व्हेन यू स्टार्ट समथिंग, व्हेन यू स्टार्ट समथिंग, ऐसा टाइम जब आप कुछ स्टार्ट करें, जब आप कुछ बिगिन करें, ठीक है। और डाउन का मतलब क्या होता है, डाउन वो होता है बिगिनिंग ऑफ लाइट, वो क्या है, वो आपने पढ़ा डस्क एंड डाउन, ठीक है। जब होता है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, फिर डस्क, डाउन, मॉर्निंग, इवनिंग, ये आते हैं ना, तो बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, डाउन बोलते हैं। और ये थ्रेशोल्ड है बिगिनिंग ऑफ समथिंग, तो बिगिनिंग, बिगिनिंग सिनोनिया में यही आंसर है और यही रीजन है इस क्वेश्चन का, मतलब क्यों आंसर सुना है। नेक्स्ट है, इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। फ्रूशन मतलब क्या होता है, फ्रूशन मतलब जब आपको किसी चीज का फल मिले, फ्रूट मिले, किसी चीज का फल मिले, फ्रूट मिले, जब आप क्या हो, फ्रूट, तभी जब आपको फ्रूट मिलता है तो प्रोडक्टिव होते हो आप, सक्सेसफुल होते हो। कंसीलमेंट ऑलरेडी मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि कंसील्ड मतलब होता है किसी चीज को हाइड करना, छुपा के कंसील करना। नूरिशमेंट मतलब न्यूट्रिशन देना। डिसअपॉइंटमेंट मतलब क्या होता है, डिप्रेस्ड हो, डिजेक्टेड हो, बिल्कुल सैड हो, डिसअपॉइंटमेंट हो, ये तो कट गए। अकम्प्लिशमेंट मतलब कोई भी चीज़ सक्सेसफुल हो गई, कोई भी चीज़ आपने क्या कर लिया, कोई भी चीज़ आपने अचीव कर ली, अचीव कर लेना, अचीवमेंट इज अकम्प्लिशमेंट, ये आंसर है आपका। नेक्स्ट, स्पोरेडिक, द स्पोरेडिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ द इन्विजिलेटर्स अट्रैक्टेड द एग्जामिनी। स्पोरेडिक मतलब होता है कोई भी चीज़ जब रेगुलर ना हो, नॉट रेगुलर, स्पोरेडिक मतलब होता है इरेगुलर, इरेगुलर, ठीक है। कोई भी चीज़ जो क्या हो, रेगुलर ना हो, इरेगुलर हो, उससे हम बोलते हैं स्पोरेडिक, ठीक है। अब ये भी हम देखेंगे अच्छे से, तो आओ, मतलब कोई भी चीज़ रेगुलर नहीं हो रही, ओकेजन पे हो रही है, ओकेजनल। रिपीटेटिव मतलब लगातार, कंटिन्यूस मतलब लगातार, इनडायरेक्ट जो चीज़ डायरेक्ट ना हो, तो ये तो कट गए, ओकेजनल इज योर करेक्ट। नेक्स्ट, डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल इज रिलेटेड टू डिलीशियस टेस्ट, डिलीशियस टेस्ट हो, या कोई भी चीज़ डिलीशियस स्मेल हो रहा हो एकदम, फ्रेगनेंस हो, फ्रेगनेंस, वैसे तो स्मेल भी नेगेटिव वर्ड है, फ्रेगनेंस हो, तो ये होता है आपका क्या, ये होता है डिलेक्टेबल। तो अब देखो क्या होगा, डिलीशियस। स्टेल का मतलब क्या, बदबूदार। स्टेल का मतलब है सड़ा हुआ, नॉट फ्रेश। रॉटन मतलब बदबूदार। स्टेल इज, आप ये देखो, नॉट फ्रेश और बदबूदार दोनों, कोई भी चीज़ फ्रेश नहीं होगी, सड़ी हुई होगी तो बदबू मारेगी। रॉटन इज नॉट फ्रेश, मतलब कोई भी चीज़ क्या है, सड़ी हुई है, ओल्ड है, ओल्ड, ओल्ड और सड़ी हुई, सड़ जाना, तो डिलीशियस इज और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एक्सेल्टेशन, एक्सेल्टेशन, एक्सेल्टेशन का मतलब क्या, बहुत अच्छा वर्ड है। एक्सेल्टेशन का मतलब है, देखो इसे समझना, यूफोरिया, EUPHOR, यूफोरिया मतलब क्या है, यूफोरिया का मतलब होता है ब्लिस, BLISS, मतलब इसका मतलब होता है मर्थ, MIRTH। सर ये क्या करवा रहे हो, मतलब ग्ली, सर ये क्या हो रहा है, मतलब इनका मतलब क्या, इनका मतलब है एक्सटेसी, सर मतलब क्या है, अरे इन सारे वर्डों का मतलब है एक्सेल्टेशन, अरे सर मतलब क्या, इन सारे वर्डों का मतलब होता है फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ हैप्पीनेस। तो एक्सल्टेशन का क्या होगा, एक्सल्टेशन का आपका एक्सटेसी आंसर चला जाएगा। इलोबरेट कीजिए, जिसको बड़ा चढ़ा कर बताना। डिजेक्शन, लो अभी करवाया था मैंने आपको, ये रहा भाई डिजेक्टेड, डिजेक्टेड मतलब डिसअपॉइंटेड, एकदम सैड हो, बस इन्होंने क्या करा, इन्होंने आईओन लगा दिया, डिजेक्शन इज डिजेक्टेड, सैड होना, ठीक है। नेक्स्ट है 350 हो जाएंगे हमारे, 50 हो गए हैं, 350। नेक्सस का मतलब होता है कोई भी लिंक, कोई भी कनेक्शन, डिस्प्यूट हो जाना नहीं। अलाइनमेंट मतलब चीजों को अलाइन करके रखना, एक स्ट्रेट लाइन में, सिस्टमेटिक वे में रखना। इनकॉन्ग्रुएंस इज नॉट सिमिलर, कनेक्शन होता है, लिंक होता है, डेट इज नेक्सस, नेक्सस कहते हैं ना, बड़े बड़े गुंडों के नेक्सस होते हैं, कनेक्शन होते हैं। पैरल कहीं भी लिखा आ जाए, पैरल, PERIL, पैरल कहीं भी लिखा आ जाए, तो इसका मतलब होता है डेंजर, इसका मतलब होता है हैजार्डस, ठीक है। तो डिलाइट्स खुशियां नहीं, डिलाइट्स इसको आप ऐसे लगा के भी यूज कर सकते हो, बेनिफिट नहीं, ह्यूमिलिएशन नहीं, क्या होगा इसका, इसका क्या होगा भाई, इसका होगा आपका आंसर, ह्यूमिलिएशन मतलब है जब आपकी बेइज्जती हो, ह्यूमिलिएट हो रहे हो, एम्बेरस फील हो रहा है, अशेम्ड, इसका होगा डेंजर, ठीक है, हैजार्ड, हैजार्डस, खतरनाक। नेक्स्ट है हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल मतलब क्या होता है, HYSTERICAL, हिस्टेरिकल मतलब होता है जब आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाओ, वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड एंड फुल एंड अनेबल टू कंट्रोल इमोशंस, एंड अनेबल टू कंट्रोल इमोशंस, ठीक है। वेरी एक्साइटेड, अनेबल टू कंट्रोल इमोशंस, हिस्टेरिकल, इमोशनल हो नहीं, डेंजरस हो नहीं, फनी, स्कैरी इज डरावना, फनी, फनी।
मतलब होता है जब आप किसी चीज से भर गए हो, एकदम फुल ऑफ समथिंग, फुल ऑफ भर गए हो, एकदम भर जाना की चीज से। किसी ने आपको इतना सारा विश करा, आप उससे भर गए हो, ओवरवेलम्ड हो गए, और ओवरवेलम्ड हो गए, फुल ऑफ इमोशंस हो गए, भर गए हो, ठीक है। प्रीऑक्यूपाइड जो जगह पहले से भरी हुई हो, एनॉयड इज इरिटेट परेशान, रिवॉर्ड आपको पता ही, ओवरवेलम्ड इज योर करेक्ट आंसर। परसेवरेंस मतलब होता है लगातार कॉन्स्टेंट एफर्ट्स करना, लगातार कोई चीज करना लगातार। टॉलरेंस नहीं, डिसिप्लिन नहीं, हम्बलनेस, कितना हम्बल नेचर नेचर है इसका, कितना बढ़िया बंदा है, नहीं, ठीक है। गुड क्वालिटी होती है ये। स्टेड फिटनेस का मतलब क्या है, स्टेड फास्टनेस का मतलब है लगातार कॉन्स्टेंट एफर्ट्स। नेक्स्ट अमेंड, किसी भी चीज को अमेंड करना, बदलना, मतलब क्या करना, किसी चीज में परिवर्तन लाना, मतलब क्या करना, अमेंड करना, रेक्टिफाई करना, करेक्ट करना उसे, टू करेक्ट, रेक्टिफाई इज टू करेक्ट। इम्पेयर का मतलब क्या होता है, इम्पेयर, इम्पेयर का मतलब होता है टू डैमेज समथिंग, टू डैमेज समथिंग, इम्पेयर इज टू डैमेज समथिंग, इम्पेयर, रेक्टिफाई। नेक्स्ट विवेशियस, विवेशियस मतलब क्या है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइवलीनेस, लाइवली, फुल ऑफ लाइवली, लाइवली मतलब होता है एकदम एनर्जेटिक, फियरलेस नहीं, प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस का क्या मतलब है, प्रोपरस का मतलब है एकदम रिच और एकदम सक्सेसफुल, प्रोस्पेरिटी से भरा हुआ। फ्रेंडली को आप बोलते हो क्या, एमिएबल, AMIABLE, एमिएबल भी बोलते हो, एमिकेबल भी बोलते हो, AMICABLE, कॉर्डियल भी बोलते हो, कॉर्डियल, जेंटल इन नेचर। फियरलेस तो फियरलेस आपको पता है, डर ही नहीं लगता। फियरलेस क्या होता है, डॉन्टलेस, DAUNTLESS, बहादुर। फियरफुल इज डरपोक, तो आपका करेक्ट आंसर है एनर्जेटिक। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट क्या है मेरे भाई, सुपरफिशियल, मतलब कोई भी चीज भाई इस जो डीप ना हो यार, इसे ना सुपरफिशियल नॉलेज है, मतलब शैलो नॉलेज है, सिर्फ ऊपर ऊपर का पता है क्या हुआ, अंदर का पता ही नहीं है, डीप थॉट है ही नहीं, तो शैलो होना। डेरोगेटरी मतलब होता है डेरोगेटरी रिमार्क्स, मतलब इंसल्टिंग, ठीक है। इनसबस्टांशियल का क्या मतलब है, इनसबस्टांशियल का मतलब भी आपका यही है, जैसे कि कोई भी चीज जो स्ट्रांग ना हो, नॉट सॉलिड नॉट स्ट्रांग, रिगार्डलेस आपको पता है, नो अटें मतलब रिगार्डलेस, रिगार्ड ना देना, नो अटेंशन, नो रिस्पेक्ट, करेक्ट आंसर इज शैलो। रैथफुल, रैथ गुस्से से भरा हुआ, फ्यूरियस, रैथ, रैथ ऑफ वॉर, एक मूवी भी है ना रैथ, ठीक है, तो रैथफुल इज गुस्से से भरा हुआ, फ्यूरियबल। देखो कॉर्डियल आ गया, एमिएबल आ गया, अभी बताया ना मैंने आप लोगों को यहाँ पर, एमिएबल, कॉर्डियल, फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली, देखो ये चीज है भाई, जो करवा रहा हूँ बढ़िया हो जाएगा, टेंशन ना लो। 359, कॉन्स्पायर करना, किसी के खिलाफ क्या करना, कॉन्स्पिरेसी रचना, प्लॉट करना, किसी के खिलाफ कुछ प्लॉट करना, असिस्ट किसी को, सहायता देना, ठीक है। इम्पार्ट्स करना, इम्पार्ट्स का मतलब क्या, द वे शीतल इम्पार्ट्स नॉलेज टू हर स्टूडेंट्स इज रियली प्रेज वर्दी। इम्पार्ट्स का मतलब होता है देना, डिलीवर करना, समझाना की चीज को, ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिट, एक्सपोज नहीं करना, डिस्क्लोज नहीं करना, ट्रांसमिट करना। नेक्स्ट है माई फादर टुक अ मोमेंट टू पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब होता है कोई भी चीज सोचना, थिंक करना, सोचना, हेजिटेट करना नहीं, कंटेम्पलेट करना, बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब कोई भी चीज सोचना, थिंक करना, ठीक है, सोचना। द रेसलर रिटेलिएटेड द ब्लो डेट ही रिसीव, रिटेलिएटेड का मतलब क्या होता है, रिएक्ट करना की चीज पे, ठीक है, रिएक्ट करना, दो वैसे किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने उसके चार थप्पड़ मारे, तो मैंने ऐसा रिएक्ट करा गुस्से में, मतलब क्या करना, माफी दे देना, नहीं, रेसिप्रोकेट करना, टू बिहेव, जिसने आपके साथ जैसा करा हो सेम वैसे बिहेव करना, आप ऐसे बोल सकते हो, टू बिहेव इन द सेम वे, इन द सेम वे, जैसे किसी ने आपके साथ जो किया वैसे ही बिहेव करना, तो क्या, रेसिप्रोकेट करना। नेक्स्ट है आपका क्या, 363 में हम पहुंच गए हैं, इरोनियस, इरोनियस का मतलब क्या होता है, इरोनियस का मतलब होता है रॉन्ग, गलती, कोई भी चीज जो करेक्ट ना हो, नॉट करेक्ट, गलती, उसे रॉन्ग कहते हैं, ठीक है। तो लूसिड मतलब क्लियर, इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट जो एक्यूरेट ना हो, लूसिड इज क्लियर, लूसिड इज क्लियर। सेंसिटिव आपको पता ही, सेंसिटिव कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, टू लेता है, इनएक्यूरेट। इंस्टिल्ड, कोई भी चीज आपके दिमाग में इंस्टिल्ड है तो एब्जॉर्ब है, एब्जॉर्ब, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भैया, ठीक है, आपके दिमाग में कोई चीज भरी हुई है, टू मेक समबडी थिंक और फील। इंस्टिल्ड का मतलब क्या है, भरा हुआ, कोई भी चीज भरी हुई है, एब्जॉर्ब हो चुकी है, मतलब इनकलकेट है, इनकलकेट, इनकलकेट, और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, जो मैं बताऊं वो करो, टू मेक समबडी लर्न,
जैसे आप टीचर जो है वो क्या कर रहा है, बच्चों को इंस्टिल कर रहा है, जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ बार बार आप हमारी क्विजेस करो, तो इंकलकेट का मतलब होता है कोई भी चीज बार बार करा के दिमाग में बिठा देना, एब्जॉर्ब करा देना, रिपीट कर करके, बाय रिपीटिंग ऑफन। वेवरिंग का मतलब है बार बार फ्लक्चुएट होना कोई चीज, कभी कभी कुछ कभी कुछ, अनसर्टेन अनसर्टेन। सिकली मतलब वीक, सिकली मतलब क्या है, सिकली सिकली मतलब क्या है, वीक है वीक। ड्रेंचिंग मतलब क्या है, ड्रेंचिंग DRENCHING, ड्रेंचिंग मतलब कोई भी चीज एकदम वेट है, ड्राई नहीं एकदम वेट हो। फ्लक्चुएट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ट्राई टू बी फ्रूगल। फ्रूगल मैंने आपको बताया था ना अभी, फ्रूगल एक वर्ड कराया था, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब है कंजूस, मतलब माइजर, तो फ्रूगल मतलब है कंजूस, ठीक है। इकोनॉमिकल, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है बिना सोच समझ के, ठीक है, विदाउट विदाउट केयरिंग अबाउट रिजल्ट, मतलब किसी को कुछ भी बोल देना विदाउट केयरिंग अबाउट रिजल्ट, बिना किसी रिजल्ट के सोच समझ के कुछ भी बोल देना, इकोनॉमिकल। नेक्स्ट, एनकाउंटर्ड। एनकाउंटर्ड का मतलब क्या है, इनकाउंटर्ड कोई भी चीज आपसे, आप इनकाउंटर्ड हो गए हो मतलब क्या हो गया है, ठीक है। इनकाउंटर्ड का मतलब है टू एक्सपीरियंस समथिंग, टू एक्सपीरियंस समथिंग, टू एक्सपीरियंस, आउटसाइड अवॉइडेड, एक्सपीरियंस करना, कोई कोई नई प्रॉब्लम आई हो तो हम उससे एनकाउंटर्ड हो गए हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हुडविंग, किसी को धोखा देना। हुडविंग का मतलब है किसी को चालाकी से फॉल्स कुछ दिखा के धोखा देना, डिसीव करना, टू डिसीव। परमिएट मतलब क्या होता है, परमिएट मतलब होता है कोई भी चीज फैल जाए, स्प्रेड थ्रू आउट, हर जगह फैल जाए, स्प्रेड थ्रू आउट, इस परमिएट। परमिएट मतलब क्या होता है, एक्सूड। एक्सूड का मतलब क्या होता है कि अंदर से कोई चीज क्या हो, अंदर से प्रोड्यूस हो रही हो, टू प्रोड्यूस फ्रॉम इनसाइड, टू प्रोड्यूस फ्रॉम इनसाइड। डिफ्यूज का मतलब होता है फैल जाना, स्प्रेड हो जाना, यही आपका करेक्ट आंसर है। 370 देखते हैं। इरिवोकेबल मतलब जो चीज चेंज नहीं हो सकती, इरिवर्सिबल बदली नहीं जा सकती, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट मतलब बताया था मैंने, इनकॉन्ग्रुएंट को बताया था, कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है सिमिलर, ठीक है। इग्नोबल, IGNOBL, इग्नोबल का मतलब होता है नॉट रिस्पेक्टफुल, किसी से बदतमीजी करना, रिस्पेक्ट नहीं देना। सलाइंट मतलब क्या है, सलाइंट मतलब है कोई भी चीज जो इंपॉर्टेंट हो, सलाइंट फीचर्स है, इंपॉर्टेंट फीचर है। ऑस्टेंटेशियस मतलब क्या है, शोई, ऑस्टेंटेशियस मतलब शोही। अब यहाँ पे क्या, अनवर्दी मतलब नॉट रिस्पेक्टफुल है कोई भी चीज जिसकी कोई वैल्यू ना हो, नो वैल्यू हो, यही आपके करेक्ट आंसर जा रहे हैं क्या, अनवर्दी। ये सारे ऑप्शन बाकी के कट गए। गाइल मैंने आपको कल ही बता दिया था, गाइल क्या होता है, जो किसी को धोखा देता है, ट्रिक करता है, ट्रिक तो क्या करता है, मोरलिटी, मोरल वैल्यू से भरा हुआ नहीं, प्राइड है नहीं, ग्रीड है, लालची है नहीं, डिसीट है, डिसीट मतलब धोखा देना, डिसीटफुल, ठीक है, धोखा देना किसी चीज को, छुपा के रखना, सच छुपा के रखना। मडी इज फुल ऑफ मड से भरा हुआ, अब आपके चेहरे में मड लग जाए तो आप कुछ देख पाओगे, कुछ नहीं देख पाओगे, तो क्या करोगे आप, फिल्दी हो जाओगे। फिल्दी मतलब डर्टी, DIRTY, डर्टी। ब्लड मतलब जब कुछ दिखे ना, वो एग्जाम्पल से रिलेट मत कर लेना। मड इज मतलब गंदगी से भरा। रोड इज इन विलेजेस ड्यूरिंग, जब जब कोई ऐसी दिक्कत आए ना, पढ़ लो सेंटेंस, आपको पढ़ के ही करना पेपर में, बट मैं आपका सिर्फ दिमाग में डाल रहा हूँ चीजें। तो फिल्दी इज डर्टी, रोड क्या है, रेनी सीजन में बढ़ जाती है क्या, बिल्कुल गंदगी हो जाती है, कीचड़ ही कीचड़ होता है, फिल्दी इज कीचड़ ही कीचड़। 373 का बी, ठीक है। नेक्स्ट, फर्जी का मतलब क्या होता है, FUZZ, फर्जी मतलब क्या होता है, एकदम एकदम फ्रीजी हो जाना, फ्रीजी, ठीक है, फ्रीजी एकदम ऐसे उबड़ खाबड़ हो जाना और दिखना ना सही से, ठीक है। फ्यूटाइल मतलब यूजलेस, फ्यूटाइल इज यूजलेस, ऑफ नो यूज, फ्रूटलेस, फ्रूटलेस, कोई भी फ्रूट नहीं मिला, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब होता है, आप देख सकते, फ्यूटाइल एफर्ट मतलब नगेटरी, NUGATORY, नगेटरी मतलब कोई फायदा ही नहीं हुआ, अनप्रोडक्टिव, फ्रूटलेस, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कौन सा, 375 आ गया। चाइल्ड, चाइल्ड मतलब होता है किसी को रेब्यूक करना, किसी को स्कोल्ड करना, डांटना, फटकारना, ठीक है। रेस्क्यू मतलब कहीं से छुड़ा के ले आना, सेव समवन फ्रॉम समथिंग। नेक्स्ट है आपका रेडियंट। रेडियंट का मतलब क्या होता है, एकदम ग्लोइंग, जो चीज एकदम चमक रही हो, एकदम रेडियंट हो, जो चमकती हो एकदम, ठीक है। सेंडिंग आउट लाइट, जिसके अंदर से एकदम लाइट निकलती हो, सेंडिंग आउट लाइट, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोइंग।
फ्राउनिंग मतलब डिसमल इज सैड, सैड। फ्राउनिंग क्या होता है? फ्राउनिंग मतलब एक ऐसा अपनी आंखें ऊपर चढ़ाकर एकदम डिसप्लेजर देना, मना करना किसी चीज के लिए, एकदम ऐसी लुक देना डिसअप्रूवल की। ग्ली में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ग्ली इज मर्थ फुल ऑफ हैप्पीनेस वर्ड कराए थे ना, हैप्पीनेस वाले इज मिर्थ। एंग्जाइटी आपको पता है, डिस्ट्रेस भी आपको पता है, सैड, नर्वसनेस। एबहोरेंस का मतलब क्या होता है? हेटरेट, किसी से नफरत को बोलते हैं एबहोरेंस, ठीक है, फीलिंग ऑफ हेटिंग समवन। मर्थ आपका, हैप्पीनेस इज योर करेक्ट आंसर। प्रोडिगल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हो, मतलब जो बहुत ज्यादा पैसा उड़ाता हो उसे प्रोडिगल कहते हैं, ठीक है। स्क्रिम्पिंग क्या होता है? स्क्रिम्पिंग मतलब कंजूस, ठीक है, जो पैसा बचाता है, टू सेव मनी बाय स्पेंडिंग लेस, कम खर्च करता हो बाय स्पेंडिंग लेस, ठीक है, इकोनॉमिकल टाइप। तो एक्स्ट्रावेगेंट इज योर करेक्ट आंसर, बाकी सब तो एंटोनियम है। पॉपुलस, भरा हुआ, क्राउड से भरा हुआ, क्राउडेड, खत्म हो गया क्वेश्चन। लेथर्जी, बताओ इतने आगे आ गए हम, लेथर्जी किस? आलसी, टॉर्पिड, TORPID, टॉर्पिड, स्लगिश, SLUGGIS, स्लगिश, जो एकदम आलसी हो, एकदम क्या हो भाई, एकदम आलसी हो, लेथर्जी हो, मतलब क्या? ईगरनेस, ईगरनेस का मतलब होता है एनर्जी से भरा हुआ, तो ये तो नहीं होगा। एंथुजियास्टिक इज एनर्जी से भरा, विगर इज फुल ऑफ जील, ये तो होंगे नहीं, फुल ऑफ जील। हैबिट्यूड, हैबिट्यूड का मतलब, अच्छा वर्ड है लिख लो, हैबिट्यूड का मतलब होता है एकदम डल, एकदम क्या, लेथर्जिक, लेथर्जिक। लेसीट्यूड, LASSITUD, एकदम लेथर्जिक, ठीक है, हैबिट्यूड इसका अच्छा वर्ड है, लिख लेना, नोट कर लेना ये। पेरिलस डेंजर, कितनी बार कर चुके हम, देखो कैसे रिपीट हो रहे हैं। कुल्ट, कुल्ट क्या ये गिल्ट है? सॉरी, गिल्ट, द शेडो ऑफ गिल्ट है ये, गिल्ट, गुल्ट नहीं है, गिल्ट है। गिल्ट का मतलब होता है पछतावा, ठीक है, रिमोर्स, गिल्ट मतलब पछतावा। द शेडो ऑफ गिल्ट डार्कन्ड हिज आईज, ठीक है, किसी भी चीज के लिए आपको क्या, रिग्रेट है, रिग्रेट, रिग्रेट है, ठीक है। इम्पेनिटेंस का मतलब होता है, इम्पेनिटेंस मतलब नॉट फीलिंग ऑफ रिग्रेट, कोई रिग्रेट नहीं होगा, कोई पश्चाताप नहीं है दिल में, ठीक है, वो इम्पेनिटेंस होता है। रिमोर्स इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इम्प्यूट्स, इम्प्यूट्स का मतलब होता है जब आप कोई भी चीज डेडिकेट करो, कोई भी चीज किसी को एट्रीब्यूट करो, उसे आप बोलते हो क्या, इम्प्यूट करना, एट्रीब्यूट करना। एम्प्यूटेट का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपका पैर में जख्म हो गया है, सेप्टिक हो गया, तो आपका पैर काटना पड़ेगा, तो टू कट ऑफ बॉडी पार्ट, टू कट ऑफ बॉडी पार्ट इज एम्प्यूटेट। नेक्स्ट है आपका क्या, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? एकदम आप अपने कॉन्शियस में हो, मतलब क्या हो, एकदम अवेयर हो, अवेयरनेस। हॉक्स, हॉक्स का मतलब होता है किसी को फंसा कर क्या करना, धोखा देना, ट्रिक करना, टू ट्रिक। डेल्यूजन मतलब क्या है? डेल्यूजन इज जब आपको एक फॉल्स बिलीव हो, जैसे आपको डेल्यूजन हो गया, मेरे को कोई मारेगा मारेगा, कोई आपको पूछ भी नहीं रहा, ठीक है, ये चीज होना। बोनांजा एक होता है विंडफॉल, विंडफॉल मतलब लॉट ऑफ प्रॉफिट होता है, जब आपको अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, उसे बोनांजा कहते हैं। एनोलॉजी इज कंपेरिजन करना दो चीजों में जो सिमिलर दिखती है, ट्रिक आपका करेक्ट आंसर। 15 बच्चे हैं बस, नेक्स्ट देख लो। पेंशन, पेंशन इज लाइकिंग, लाइकिंग सब्जी। बिटरनेस इज कड़वाहट। कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी इज अपोजिट, अपोजिट, कोई भी चीज जब क्या हो, अपोजिट हो, उसे कॉन्ट्रेरी कहते हैं। वॉबली क्या होता है? वॉबली मतलब जब आप किसी बात से अपसेट हो और एंग्री हो, पति पत्नी एक दूसरे से वॉबली हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। कोजेंट, COGENT, कोजेंट का क्या मतलब होता है भाई? कोजेंट का मतलब होता है जब आप अपनी चीजों को एकदम क्लियरली, एकदम रैशनल व्यू में, एकदम लॉजिकली एक्सप्रेस करो, लॉजिक देखें, ठीक है, तो रैशनल आपका आंसर है। टायरेनिकल, कल भी हमने करा था, टायरन इज डिक्टेटरशिप, डिक्टेटर जो होते हैं। इनसेन इज मैड, क्राउड, कॉवर्ड इज डरपोक, ठीक है, तो रैशनल इज योर। पेस्टर का मतलब है एनॉय करना, किसी को क्या करना, परेशान करना, एनॉय करना, ठीक है। एम्यूज मतलब किसी को हंसाना, टू लाफ, एम्यूज इज टू लाफ, ठीक है। एडोर, एडोर इज किसी को प्यार करना, लव करना, टू लव, टू लव, ठीक है। एब्यूज किसी को गाली देना, तो एनॉय हो गया आपका। नेक्स्ट है एवरेज, एवरेज का मतलब है किसी चीज को शॉर्टन कर देना, शॉर्ट कर देना। एक्सपेंड मतलब फैला देना। ईयर मार्क, ईयर मार्क का क्या मतलब है? ईयर मार्क का मतलब होता है किसी को चूज करना फ्यूचर के लिए, टू चूज समथिंग इन फ्यूचर, समथिंग यही, समथ, STH मतलब समथिंग इन फ्यूचर।
अच्छा वर्ड नहीं है, इस पर ज्यादा ध्यान मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज को ध्यान रखना, शॉर्ट करना, किसी भी चीज को कंसाइज कर देना, किसी भी चीज को एब्रीविएट कर देना, कंसाइज, CONCIC मतलब शॉर्ट करना, ऑप्टिमल मतलब फुल ऑफ यूटिलाइजेशन, बेस्ट यूटिलाइजेशन, बेस्ट। ऑब्सिक्यूस, ऑब्सिक्यूस मतलब क्या होता है, द लिटिल गर्ल हैड ऑब्सिक्यूस मैनर्स। ऑब्सिक्यूस मतलब क्या होता है, ऑब्सिक्यूस मतलब जब आपका क्या हो, लॉ, लॉ में आप लॉ को फॉलो करते हुए, लॉ से आप बंधे हुए हो, ओबेइंग द लॉ, ओबेइंग द लॉ, लॉ से बंधे हुए, ठीक है। मिसचीवियस इज, मिसचीवियस इज जब आपका बिहेवियर बड़ा घटिया हो, बैड बिहेवियर, बैड बिहेवियर, ठीक है। डिफाइंट मतलब क्या होता है, डिफाइंट मतलब होता है जब आप करो किसी चीज को मना कर दो, रिफ्यूज टू ओबे, रिफ्यूज टू ओबे। हेड स्ट्रॉन्ग इज जिद्दी अड़ियल, तो लॉ अबाइडिंग इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रिवोक, रिवोक मतलब किसी चीज पे क्या करना, कैंसिल का साइन लगा देना, रिवोक मतलब रिपील कर लेना, रिपील, REPEAL, रिपील का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो वैलिड नहीं है, नो लॉन्गर वैलिड, नो लॉन्गर वैलिड, ठीक है, रिपील। सस्टेन हो गया, रिग्रेट हो गया, पश्चाताप हो गया। मिग्र मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी में, कोई भी चीज जो स्मॉल क्वांटिटी में हो, मिग्र हो, ठीक है, लिमिटेड हो, लिमिटेड, TED, लिमिटेड हो मतलब स्कैंटी हो, स्कैंटी। प्लेंटियस बाउंटीफुल सरप्लस मतलब बहुत ज्यादा होना, एम्पल होना, एम्पल वर्ड कराया था आप लोगों को, अबेंडेंट, AVUND ANT मतलब एकदम प्लेंटीफुल होना, प्रचुर मात्रा में होना, ये वर्ड कराया था ना। इसका अपोजिट होता है स्कैंटी, मतलब कमी होना, स्कार्स होना, किसी भी चीज की क्या होना, डेफिशिएंसी होना, डेफिशिएंट, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, कमी होना किसी भी चीज की, स्कार्स होना, ठीक है, कम होना, मिग्र होना, मिग्र, ये वर्ड लिखा हुआ, MEAGRE, डेफिसिट, DEFICIT, डेफिसिट का उल्टा क्या होता है, सरप्लस होता है। प्रिपोस्टरस, प्रिपोस्टरस का क्या मतलब है, प्रिपोस्टरस का मतलब होता है एकदम बेवकूफी भरा, प्रिपोस्टरस का मतलब होता है एकदम सिली और एकदम, देखो तीन वर्ड बताता हूँ, RAP, रैप होते हैं ना आजकल के, रैप आपने सुना है, मुझे तो समझ में आते हैं, तो रैप कैसे होते हैं, एकदम रिडिकुलस होते हैं, घटिया, बेकार, एकदम एब्जर्ड होते हैं, RIDICULOUS, एकदम एब्जर्ड होते हैं, बिल्कुल घटिया, बेकार, एकदम प्रिपोस्टरस होते हैं, PREPOSTERUS। रैप से आपके तीनों सिनोनिम याद हो गए, ये कभी मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में ऐसे कराया करता था, फिर कोई बड़ा टीचर था उसने वहां से इसको कॉपी कर लिया था, अगर वो सीख के करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने भी किसी ना किसी बुक से सीखा होगा, ठीक है। बट ऐसे में जब मैं बस में बहादुरगढ़ से पढ़ा के आता था, बहादुरगढ़ नजफगढ़ में पढ़ाता था, तो वहां पर मैं छोटी छोटी चीजें बनाया करता था, क्योंकि बच्चे हिंदी मीडियम के होते थे इसलिए। ड्रीमी, ये तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, फ्लैशी, इमेजिनेटिव, ड्रीमी, क्या होगा इसका आंसर बताओ, 395 का मैंने तो बता दिया, इसका मतलब होगा क्या, फ्लैशी का क्या मतलब है, फ्लैशी का मतलब है एकदम ब्राइट, पूरी लाइटें आ रही है, एकदम एक्सपेंसिव। इमेजिनेटिव, जो आप इमेजिन करोगे तो कट गए। ड्रीमी मतलब क्या है, जो आपको ड्रीम में दिखाई दे, ड्रीम से रिलेटेड, ये तो कट गए। बचा क्या, आउटरेजियस, आउटरेजियस का मतलब क्या है, जो भी चीज आपको गुस्सा दिला दे, आप शॉक हो जाओ, ऐसी घटिया चीजों से ही हमें गुस्सा आता है और हम शॉक हो जाते हैं। अक्रेडिट, अक्रेडिट, अक्रेडिट का मतलब होता है किसी को क्रेडिट देना, गिव क्रेडिट टू समवन, आजकल तो लोग क्रेडिट ले लेते हैं, देते नहीं है, बट किसी को क्रेडिट देना, किसी को सर्टिफाई करना, मतलब बताना कि भाई यही सही है, इसी का असली क्रेडिट है, ट्रू बताना, सर्टिट्यूड करना, सर्टिफाई करना। कन्फाइड का मतलब क्या होता है, किसी को सीक्रेट बता देना, कन्फाइड इज टू रिवील सीक्रेट, टू रिवील सीक्रेट, सीक्रेट को क्या कर देना, एक्सपोज करना, रिवील करना, तो ये आपका सर्टिफाई इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कंज्योर, CONJURE, कंज्योर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो अपियर हो जाए मैजिक से, अपियर बाय मैजिक, कोई भी चीज अपियर हो जाए मैजिक से, तो क्या होना, अपील करना, देखो आप मैजिक से, आप ऐसे छड़ी घुमा के, छड़ी है और ये इंसान है, आप इसको ऐसे छड़ी घुमा के बोल रहे हो इस पर्दे में से कोई इंसान आ जा, तो अपियर बाय मैजिक, किसी को अपील कर रहे हो, तो अपील इज करेक्ट आंसर। कोई सेंस नहीं था बट मैंने आपको तब भी समझाया क्यों, आप इसको ऐसे देखो। कंटेंट का मतलब क्या होता है, कंटेंट का मतलब है CONTENT, मतलब सेटिस्फाई। एक तो कंटेंट्स होते हैं कि इस PPT में सारे वोकैब के कंटेंट, एक होता है कंटेंटेड मतलब सेटिस्फाई, ठीक है, एक होता है अपीज, अपीज मतलब होता है टू काम,
किसी को शांत करना, किसी को पैसिफाई करना, पैसिफाई ठीक है, एक होता है क्वाइट जो, तीनों कट गए तो बचा क्या, कंज्यूर, मैजिक से अपीयर करना मतलब अपील करना, तो ये इस सेंस में आंसर जा रहा है। वैसे कोई सिनोनिम विरोनिम दूर दूर तक तो नहीं लग रही है, ठीक है। रिबेलियस इज विद्रोह करना, जिसे कोई नहीं रोक सकता, विद्रोह कर दिया, अनरूली। अच्छा, ओबीडियंट का ना आपको अपोजिट बताना है, ओबीडियंट का अपोजिट मैं ही बता देता हूँ, डिफाइंट होता है, बताया था ना, नॉट ओबेइंग, तो ओबीडियंट जो ओबे करे, डिफाइंड DEFIANT, जो ओबे ना करे। इंडिग्नेशन का मतलब क्या है, इंडिग्नेशन का मतलब होता है रिलेटेड टू एंगर, ठीक है। ऑफेंस, ऑफेंस ही होगा इसका आंसर, और क्या है, डिजाइनेशन हो जाएगा, नहीं डेजिग्नेशन हो जाएगा, सॉरी डेजिग्नेशन नहीं, क्या होगा, डेजिग्नेशन मतलब आप किसी को कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई पोस्ट दे रहे हो, डेजिग्नेशन है भाई उसकी, तो नहीं रिजाइन कर रहे हो, नहीं डिफेंस में जाना है आपको, नहीं जाना है डिफेंस में, ऑफेंस आपका करेक्ट आंसर। किसी चीज से आप शॉक हो गए हो, बहुत ज्यादा एंगर हो गया है आपको। बोनहोमी मतलब क्या होता है, एकदम फ्रैंक पर्सन, जो गुड हार्टेड हो, एकदम मेरी तरह, वाह भाई वाह, क्या मजे ले रहा हूँ मैं भी। एनिमी हो, बैड नेचर हो, डिसएग्री हो, फ्रेंडशिप वाला बात, 400 कंप्लीट कर दिए हैं आपके भाई समझो, बड़ा भाई, टीचर समझो, जो समझो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, वीडियो अच्छी लगी हो जरूर बताना, अगर आप चाहते हो वो कैब में महारती हासिल करना कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए नहीं छूटे, तो ये टेस्ट सीरीज के बारे में सुनते हुए जाना आप लोग, ठीक है। तो चलिए गए, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग ले लीजिए, देखो ये हमारी ऐप है विनय कक्षा, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है। और जिन जो भी iOS यूजर हैं या फिर जो भी ऐप वाले भी, अगर उनको दिक्कत है कोई चीज पूछनी है किसी चीज से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, सर प्रिपरेशन कैसा करें, जो भी, ये हमारी ऐप है, ऐसे ऐप खुलेगी, यहाँ पर SSC के कोर्सेज हैं, DSSB के लिए। अब यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज में जाना है, अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है टेस्ट सीरीज में जाके, हमारे आपको दो टेस्ट मिलेंगे, तो आज मैं आपको एवेंजर वोकैबुलरी टेस्ट सीरीज जो मैं अभी नई बना रहा हूं उसके बारे में आपको बताता हूं। यहां पर आपको 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीवियस ईयर 1000 इडियम एंड फ्रेजल, 1000 सिनोनिम, 1000 एंटोनियम, फिर जितने भी आपके फ्रेजल वर्ब्स हो गए, अभी जो रिसेंटली SSC CHSL या CPO में 2024 वाली वोकैब आई है, वो मतलब आप ये मान लो 2024 से लेके 2018 तक की जितनी वोकैबुलरी है, चाहे सिनोनिम्स हो, एंटोनियम्स हो, इडियम्स हो, जो भी हो, वो सारे आपको मिलेंगे। जो हमारा प्राइस है वो 249 का है, बट अभी कुछ हमने उसके प्राइस को क्या कर दिया है, 199 का कर दिया है। ये तो टेस्ट सीरीज फॉर्म में रहेंगे, मतलब जैसे कि आपको एक क्वेश्चन आया, चार ऑप्शन हुए और आपको टिक मार्क करके आंसर बताना होगा, सॉल्यूशन में सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन गिवन होगा, अनलिमिटेड आप टेस्ट लगा सकते हो। और मेरे हिसाब से कोई बच्चा पूछता है कि सर वो क्या कहाँ से पढ़े, क्या बुक पढ़े, आप बस अगर ये टेस्ट लगा लोगे ना, मतलब 1000 1000 1000 1000 4000, मतलब मैं आपको बताता हूँ इसमें 6000 प्लस वोकेबलरी होंगी, वो भी सारी प्रीवियस ईयर, चाहे आप DSSBA का एग्जाम हो, चाहे आपका SSC का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो ये सफिशियंट, अगर आप ये लगा लोगे तो आपका काम बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अच्छे से चीजों को देखते हैं। आपको एक बार क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको इधर एवेंजर वोकैबुलरी टेस्ट सीरीज में जाके यहाँ पे आपको टेस्ट दिख रहे होंगे, अभी ये 8 टेस्ट है, अभी ये बहुत सारे टेस्ट हम ऐड कर रहे हैं, तो अभी बस हमने 8 करे, अब तो जाओगे इसमें जाकर आप क्लिक करके देखना, यहाँ पर आपको कुछ फ्री टेस्ट मिलेंगे, वो फ्री टेस्ट भी आप लगा सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा, एक डेमो मिल जाएगा कि किस हिसाब से टेस्ट रहने वाले हैं। तो चलिए गाइस, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया होने वाला, चलिए आगे देखते हैं।